तो नाउ स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट डिप्लॉय एंड मेंटेन एनी सॉफ्टवेयर ऑन ए डब्ल्यू एस हमारे केस में जो एनी सॉफ्टवेयर है ना वो बेसिकली वर्ल्ड प्रेस है रीजन बींग वर्ल्ड प्रेस जो है इट इज द वर्ल्ड वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई अपना ब्लॉग लिखना है कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो uh, जो वर्ल्ड प्रेस है ज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर एज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं टू पब्लिश एनी एनी ब्लॉग एनी एनी पोस्ट सो अब हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड प्रेस को हम एमेजोन uh, की वेब सर्विस को यूज करते हुए हाउ वी कैन डिप्लॉय डिप्लॉय से मुराद ये कि डोमेन नेम बेसिकली एसोसिएटेड होता है एक आई पी एड्रेस के साथ रीजन के डोमेन uh, जो है बेसिकली डोमेन नेम जो है वो बेसिकली हमने लोगों को बताना है कि हमारे ऑनलाइन स्टोर का नाम क्या है लेट सपोज जंकीज़ स्टोर है कोई भी एक्स वाई जी स्टोर डॉट कॉम है तो उसके साथ एक आई पी एड्रेस मैप किया होता है और हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के लिए नंबर याद रखना आसान है और ह्यूम्स के लिए वी बिंग ह्यूमन हमारे लिए uh, जो नाम है वो ज़्यादा uh, याद रखना आसान है तो हम लोग नाम याद रखते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स आईपी एड्रेस ही चल रहा होता है तो यहां पे अभी हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस को यूज करते हुए हम वर्ल्ड को यूज कैसे कर सकते हैं मतलब आप एक आईपी एड्रेस अपने आप, आप पब्लिश कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या आप लोगों को बता सकते हैं कि मेरी जो वर्ल्ड की वेबसाइट है वो इस आई एड्रेस के ऊपर होस्ट है जस्ट लाइक डोमेन नेम आईपी एड्रेस भी किसी भी वेबसाइट का दुनिया में हमेशा यूनिक ही होता है ऐसा नहीं हो सकता कि दो डोमेन नेम के साथ एक आईपी एड्रेस बाउंड हो ऐसा नहीं होता तो इफेक्टिवली अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो एक्चुअली आपको आपकी वेब की डोमेन पता है तो लेट्स डू इट जैसे ही मैं ए डब्ल्यू एस डॉट एमेजोन डॉट कॉम लिखूंगा तो दिस इज द स्क्रीन जो कि मेरे सामने आएगी पहला स्टेप ये कि मुझे यहां पे साइन इन टू कंसोल करना पड़ेगा ताकि मैं अकाउंट बना सकूं उसके बाद अब ये पेज लोड होगा तो यहां पर आपके पास इन रिटर्न जो पेज आएगा अब आप ये देखें कि यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है एक ऑप्शन ये है कि यू कैन ऑलरेडी लॉग इन यानी आप लॉग इन कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि आपने साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट करेंगे तो आपको न्यू साइन अप पे ले जाएगा यानी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा फिर आपको क्रेडिट कार्ड की इंफॉमेसन देनी पड़ेगी फिर आपके पास एक नंबर आएगा मोबाइल फोन के ऊपर आपने उसको वेरीफाई करना है तो यू विल हैव योर यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड है तो आई विल जस्ट लॉग इन मैं बेसिकली साइन इन करूंगा तो वेन आई विल साइन इन तो अभी मैंने एज अ फ्री टीयर यानी फर्स्ट टाइम आप जब साइन अप करेंगे तो फ्री टीयर के तौर पर यानी वो सर्विस आप यूज करेंगे जिसके लिए आपको पैसे अमेजोन आपको चार्ज नहीं करेगा तो फ्री टीयर सर्विस है उसके लिए आप साइन अप करेंगे उसके बाद द फर्स्ट स्टेप आफ्टर लॉग इन यानी लॉग इन होने के बाद मैं इधर आऊंगा ईसी टू के ऊपर ई सी टू जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इलास्टिक कंप्यूटिंग ये फ्री टीयर के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है मैं इसी टू पे क्लिक करूंगा तो दिस विल ओपन यानी ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो मुझे करना है कि मैं यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा इंस्टेंस बेसिकली आप ये समझें कि आप एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसके लिए एमेजोन आपको एक नया इंस्टेंस या एक नया स्नैपशॉट यानी इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू तो उसको एमेजॉन में इंस्टेंस बोलते हैं तो मैं मैं इंस्टेंस पे यहां क्लिक करूंगा तो दिस गुई विल ओपन अप उसके बाद मैं क्लिक करूंगा लॉन्च इंस्टेंस तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद दिस गुई विल कम अप अब यहां पे मुझे गुई में क्योंकि मुझे अब वर्ड इंस्टॉल करना है तो मैं एडब्ल्यू एस मार्केट प्लेस में जाऊंगा मार्केट प्लेस में मैंने क्लिक किया तो यहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा वर्डप्रेस मार्केटप्लेस एडब्ल्यूएस मार्केटप्लेस सिंपल एक जगह है एक एक कंप्यूटर का नाम है जहां पे आपको एमेजोन वाले ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं आसान लफ्जों में आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना मैंने यहां पे लिखा वर्ड जैसे ही मैंने वर्ड लिखा तो देखे मेरे पास यहां पे मल्टीपल ऑप्शन आ गई हैं मैं यहां पर क्लिक करता हूं वर्ड सर्टिफाइड बाय बिट ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है उसके बाद मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद दिस ऑप्शन विल कम अप मुझे सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है कीप दिस थिंग इन माइंड के ये जो सारा काम मैं कर रहा हूं ये फ्री इंस्टेंस में कर रहा हूं अब आप ये देखें जरा जब आप साइन अप करेंगे फ्री इंस्टेंस के लिए तो अब आप ये देखें कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं माइक्रो इंस्टेंसेस जनरल पर्पज अब जो तो आपकी फ्री टीयर के लिए यानी जो विदाउट यानी अमेजोन आपको पैसे चार्ज किए बगैर आपको इंस्टॉलेशन करने देगा उसके सामने ग्रीन में देखे लिखा हुआ आ रहा है फ्री टीयर एलिजिबल फ्री टीयर एलिजिबल तो लेट सपोज मैं क्लिक करता हूं जनरल पर्पस के लिए और मैं जाता हूं कॉन्फिगर इंस्टेंस डिटेल मैं इंस्टेंस डिटेल पे गया यहां पे मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करनी है कि असाइन ऑटो असाइन पब्लिक आई वो क्यों करनी है यहां मैंने इसको अनेबल करना है इसका मकसद ये है कि ये मुझे एक यूनिक नंबर असाइन कर देगा यानी यूनिक नंबर दे देगा जिसके ज़रिए मैं अपनी वर्ल्ड की वेबसाइट को एक्सेस करूंगा ये वही आई एड्रेस है जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि एक यूनिक नंबर है जो अमेजोन हमें असाइन कर देगा जिसके जरिए हम वर्ल्ड की वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे उसके बाद आई विल गो टू स्टोरेज डिटेल मैंने यहां पे कुछ चेंज नहीं करना आई विल जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च अब मैं जब रिव्यू एंड लॉन्च टू चेंज समथिंग मुझे कुछ चेंज नहीं करना मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा जब मैं लॉन्च पे क्लिक करूंगा तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर वो आपको एक की पेयर डाउनलोड करने को बोलेगा की पेयर डाउनलोड करने से मुरादी होती है कि आपके कंप्यूटर के लिए एक आपका आपकी प्राइवेट की हो जाएगी जो कि आपको आपके कंप्यूटर को ये वेरीफाई करेगा आसान लफ्जों में एक प्राइवेट नोमरिक वैल्यू होगी या एक प्राइवेट की होगी जो सिर्फ आप ही को पता होगी मैं यहां पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट अ न्यू की पेयर नाम मैं इसका कुछ भी रख देता हूँ लेट सपोज वर्ड प्रेस टेस्ट और मैं डाउनलोड की पेयर पर पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में देखें एक कोई यूनिक वैल्यू यहां पर डाउनलोड हो गई है उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस को नाउ अब मैं जब लॉन्च इंस्टेंस किया तो अब ये बेसिकली सारी की सारी बिहाइंड सीन्स वर्ड प्रेस की इंस्टॉलेशंस कर रहा है वर्ड प्रेस को रन कर रहा है अब जैसे ये वाली आपके सामने जो विंडो आ जाए ना इसका मतलब है कि आपकी जो जो इंस्टॉलेशन है वो रेडी फॉर व्यू है अब आप यहां क्लिक करेंगे सर्विसेज के ऊपर ए सी टू पे आएंगे जब आप ई सी टू पे आएंगे तो अब आप, आप यहां देखिएगा इंस्टेंस पे आएंगे यहां पे अब देखें यहां पे अब ये जो ये वाली सर्विस है ना ये अब आपके नाम से क्लिक हो गई है जो की का नाम था डब्ल्यू test टेस्ट वो देखें अभी एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो गया नाउ वॉट यू नीड टू डू आप यहां पे आके राइट क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग जाएंगे इंस्टेंस सेटिंग में उसके बाद अब जाएंगे गेट सिस्टम्स लॉग में अब यहां पे क्लिक करेंगे तो अब ये कुछ सिस्टम लॉग जनरेट कर रहा है यहां पे आपको आपका वो पासवर्ड मिलेगा जो आप यूज करेंगे वर्ड की वेबसाइट पर लॉग होने के लिए अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये रन टाइम पे जनरेट कर रहा है मैंने कुछ पहले से कोई पासवर्ड जनरेट करके नहीं रखा हुआ ये रन टाइम पे हम जनरेट कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम मैं इसे क्लोज करता हूं, दोबारा क्लिक करता हूं, इंस्टेंस सेटिंग और गेट सिस्टम लॉग में आए जैसे ही आपने क्लिक किया तो यह अभी देखें आपके सामने सिस्टम लॉग जनरेट हो गया है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ सेटिंग बिट नामी एप्लीकेशन पासवर्ड टू ये जो भी पासवर्ड है इसे आपने करना है कॉपी और अपने पास कहीं नोट में स्टोर कर लें यू विल बी नीड इन दिस आपको ये चाहिए होगा लॉग इन करने के लिए मैंने स्टोर कर लिया मैंने क्लोज किया अब बेसिकली यहाँ पर तक पहुँचने के बाद वर्ड प्रेस की इंस्टॉलेशन हो गई है अब मुझे वर्ड प्रेस को बेसिकली एक्सेस करना है तो उसके लिए अब आप ये देखें ये आई पी एड्रेस देखें ज़रा थ्री फोर डॉट टू वन सिक्स डॉट वन फोर नाइन डॉट एट ये वो आई पी एड्रेस है जो मुझे अमेजॉन ने खुद ही असाइन कर दी है ऑल आई नीड टू डू मुझे सिर्फ ये करना है कि इसको कॉपी करें एक ब्राउजर ओपन करें उसमें इसको पेस्ट कर दें और यहां पे लिख दें जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा अब तो नाउ यू शुड सी हेयर यू आर डन दिस इज अक्सेस मैसेज हर चीज एमेजोन के क्लाउड के ऊपर हुई है अब मुझे अगर लॉग इन करना है तो इस आईपी एड्रेस के बाद मैं लिख दूंगा डब्ल्यू पी यानी वर्ड प्रेस डैश एडमिन और मेरे पास

आई शुड बी एबल टू लॉग इन अगर मैं लॉग इन कर जाता हूं दिस इज आ सक्सेस मैसेज अगर आपके सामने यह पैनल आ जाता है तो दिस मीन आपने एमेजॉन की वेब सर्विस को यूज करते हुए वर्ल्ड प्रेस को सक्सेसफुली एमेजॉन की फ्री टीयर के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है एंड नाउ है यू कैन प्ले राउंड आप यहां पर नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं पेजेस क्रिएट कर सकते हैं एवरीथिंग यू कैन क्रिएट which you can on WordPress website.